नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। अवनी लेखरा ने इतिहास रच दिया है, भारत को एक और गोल्ड मिल गया है। टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था और अब टोक्यो पैरालंपिक्स में अवनी लेखरा ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में यह गोल्ड मेडल भारत को हासिल हुआ है। 249.6 पॉइंट के साथ यूक्रेन की एरिना शेटनिक को हराकर अवनी ने यह मेडल हासिल किया है, भारत को गौरवान्वित किया है। इसी के साथ ये ऐसी पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने भारत को ओलंपिक्स या पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल दिलाया है। इससे पहले किसी भी महिला ने ना तो ओलंपिक्स ना ही पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है। लेकिन इसके अलावा और भी मेडल्स हैं जो भारत को मिले हैं। अगर पैरालंपिक्स की बात करते हैं तो 2 मेडल्स ऑलरेडी भारत को और भी आ चुके हैं, जिसे दिलाया है दीपा मलिक और भाविना पटेल ने। इसके अलावा अगर ओलंपिक्स की बात करते हैं तो ओलंपिक्स में 8 महिलाओं ने 8 गोल्ड मेडल्स दिलाए हैं भारत को। और अवनी की बात बताएं तो अवनी राजस्थान की रहने वाली हैं। इनकी पिता से बातचीत हुई, बातचीत के दौरान उन्होंने जर्नी के बारे में बहुत कुछ बताया है, किस प्रकार से 9 साल पहले उनके साथ जो दुर्घटना हुई उसके बाद वो डिप्रेशन की शिकार हुई, तमाम मुश्किलों को जूझते हुए वो आगे निकली, किस प्रकार से इनका रुझान शूटिंग में गया और कितनी कड़ी मेहनत अवनी ने की है। और एक और बात जो उन्होंने कही कि जिस तरीके से ओलंपिक्स को तवज्जो दिया जाता है उस तरीके से पैरालंपिक्स को तवज्जो नहीं दिया जाता। तो इस वीडियो का बनाने का हमारा मकसद यही है कि जितना हम इम्पोर्टेंस ओलंपिक्स को देते हैं उतना ही इम्पोर्टेंस हमें पैरालंपिक्स को भी देना है, क्योंकि दोनों ही खेलों में खिलाड़ियों की खूब मेहनत होती है, उनका जज्बा होता है और वो भी चाहते हैं कि उन्हें भी उतना ही इम्पोर्टेंस मिले जितना एक आम खिलाड़ी को मिलता है। ओलंपिक्स की बात करते हैं तो बेशक भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और अब पैरालंपिक्स में भी भारत का ये प्रदर्शन इतिहास रच रहा है। अवनी लेखरा ने इतिहास रच दिया और भारत को गोल्ड मेडल मिल चुका है। आपको बता दें कि टोक्यो पैरालंपिक्स चल रहा है, इससे पहले टोक्यो ओलंपिक्स चला है और वहाँ हॉकी, हमारी हॉकी की टीम ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, बजरंगी जी ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। इसके अलावा नीरज चोपड़ा की कहानी तो हर ओर गूंज रही है और वैसे ही अब अवनी के द्वारा ये जो प्रदर्शन है वो काबिले तारीफ है। और सबसे अहम बात, पहली ऐसी महिला जिन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। तो इस खबर में इतना ही। आगे और भी ऐसी रोचक खबरों के लिए न्यूज पीआर के साथ बने रहे। तमाम सारे अपडेट्स सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं। धन्यवाद।